देश की गोदी मीडिया एक बार फिर कटघरे में। साथियों आपको बता दूं, अगर आपने इस बात पर गौर नहीं दिया है तो आप देख लीजिए, आज तक देख लीजिए, एबीपी न्यूज देख लीजिए, इंडिया टीवी देख लीजिए, तमाम के देश के तमाम जितने भी प्रतिष्ठित हिंदी चैनल हैं उनको देख लीजिए, किसी ने भी गंभीरता से इस खबर को नहीं दिखाया। क्या इस गोदी मीडिया के अनुसार ये छोटी मोटी खबर है? यहाँ पर कम से कम 10-12 लाख छात्रों की जिंदगी का सवाल है और इस गोदी मीडिया को ये छोटी मोटी खबर लगती है? नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों से खिलवाड़ क्यों? क्या सुरक्षा है, क्या पारदर्शिता है? हम जो पेपर दे के आए, आप जो पेपर दे के आए, एग्जाम हॉल में पेपर दे के आए, क्या प्रमाण है कि हमने जो टिक किया उसी पे लगा है, बाद में किसी सॉफ्टवेयर से चेंज नहीं किया गया हो? कोई पारदर्शिता नहीं है। साथियों इस पूरे मामले को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम इस सरकार से लड़ सकते हैं, कैसे अपना हक मांग सकते हैं, कैसे हम नौकरी पा सकते हैं, कैसे अपने प्रदेश से और देश से बेरोजगारी मिट सकती है। साथियों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से, इस बीजेपी सरकार से न्याय पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी घर पर रखवाली के लिए चोर को चौकीदार के लिए बैठा दिया जाए। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों मध्य प्रदेश से एक युवाओं के लिए और छात्रों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोस करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, वो भी एक ऐसे राज्य से जिसके मुखिया भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज मामा हैं। हाँ साथियों, वो कहते तो अपने आप को मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवाओं का मामा कहते हैं, लेकिन साथियों आपको बता दूं, ये शिवराज मामा कितने अपने भांजों के हितैषी हैं ये खबर जानकर आप दंग रह जाएंगे। साथियों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा चल रही थी, लेकिन लास्ट दिन की परीक्षा के साथ ही एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे पूरे प्रदेश के लगभग 12 लाख छात्रों के बीच में आक्रोश और अफसोस है। वो सोच रहे हैं कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा। क्या है खबर, सीधे पहले आपको बता देता हूं। साथियों कल से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, इस फोटो में हूबहू वही क्वेश्चन है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। तमाम कोचिंग संचालकों ने अपने छात्रों से वायरल हो रहे फोटो में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी पुष्टि कर ली गई है। कोचिंगों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ये क्लियर हो गया है कि जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं। जो छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे थे वो पेपर से पहले ही लीक हुआ है या पेपर के दौरान हुआ है या प्रदेश के किसी परीक्षा सेंटर पर ही ये घोटाला हुआ है, इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। सोचिए साथियों, एक तरफ जहां प्रदेश के युवा 10-12 सालों से इस पोस्ट का इंतजार करते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के ईमानदारी से पेपर होंगे और हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, लेकिन इन युवाओं के सपने तब धराशायी रह जाते हैं तब इस प्रकार के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। साथियों आपको बता दूं, यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी अनोखी घटना नहीं है जिसमें किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। आपको बता दें साथियों, इससे पहले भी 2006 से लेकर 2010 तक प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि PMT सहित तमाम टेस्टों में भी बड़े घोटाले हुए हैं, जिसको आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि व्यापम घोटाला क्या था। लेकिन साथियों हैरानी की बात तब होगी जब इस बीजेपी सरकार ने अपराधियों पर बिना किसी कार्रवाई के केवल और केवल इस व्यापम का नाम, जो व्यापम का पूरा नाम था व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, इसका नाम बदलकर अंग्रेजी में PEB यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को युवाओं का मामा कहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी का नाम बदलने से उसका काम बदल जाता है? अगर कोई आंखों का अंधा हो उसका नाम नयन शुक्र रख दो तो क्या वो आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। ठीक यही हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ शिवराज सरकार छलावा कर रही है। एक तो कई वर्षों तक छात्रों के लिए सरकार जगह नहीं निकालती है और जब जगह भी निकालती है तो
अगर जगह किसी डिपार्टमेंट में मान के चलो 10,000 जगह हो तो मात्र 1,000-2,000 जगह को भरने का काम करती है। वो क्यों साथियों आपको बता दूं, वो इसलिए कि क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की कमी नहीं है और छोटी से छोटी पोस्ट के लिए मध्य प्रदेश के युवा 10 से लेकर 15 लाख की संख्या में आवेदन करते हैं और नौकरी के नाम पर मात्र 1,000 बार से कभी कभी तो 200-300 लोगों को ही नौकरी दी जाती है। फिर बकाया जगहों के लिए दोबारा से जगह निकाली जाती है और इसको चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में बनाने का काम करती है। इतना ही नहीं साथियों, साथ ही ये अपनी तिजोरी को भरने का काम करती है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आता है कि आप एक साथ जगह नहीं भर रहे हो और लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब 10-12 साल में भी ये जगह निकलती हैं फिर भी ईमानदारी से ये वैकेंसी नहीं भरी जाती हैं। छात्र मेहनत कर करके घर से दूर रहकर दिन रात पढ़ाई करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और सत्ता में बैठे दलाल छात्रों को गुमराह करके जिनके पास धन अधिक होता है उनसे 15-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक ये नौकरी का सौदा करते हैं। तो साथियों सोचो, जो गरीब हैं, जो मेहनत कश हैं, जो अपना अपने माँ बाप का और अपने बच्चों का पेट काट कर घर छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? और अगर 15 लाख रुपए देने के बाद उन्हें नौकरी मिल भी जाएगी तो कितना वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, यह एक सोचने वाली बात है। साथियों अभी 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश की घटना थी, एक अतिथि शिक्षक ने अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में वो अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करता था, उस अतिथि शिक्षक ने अपने ही स्कूल में फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो क्यों? केवल इस शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण। 10-12 साल बाद ये जगह निकाली है। इससे पहले भी साथियों आपको बता दूं, इस शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों के नाम पर युवाओं का बहुत शोषण किया है। अभी पिछले 3-4 साल से ही ये मानदेय 5,000, 7,000 और 9,000 दे रहे हैं, लेकिन साथियों इससे पहले क्या मानदेय था? 2,000, 2,500, 3,000 रुपए में क्या कैसे जीवन बिताते होंगे अतिथि शिक्षक और कहां से शिक्षा में गुणवत्ता मिल जाएगी, ये एक सोचने वाली बात है। खैर अब भी जो इन्होंने अतिथि शिक्षक का मानदेय किया है वो भी खास ज़्यादा नहीं है, 5,000 वर्ग 3 वालों के लिए, 7,000 वर्ग 2 वालों के लिए और वर्ग 1 वालों के लिए 9,000 रुपये। ये भी तब जब 100% पूरी जब प्रेजेंट होगी, इसमें भी छुट्टी हो जाती है बहुत सारी, तो इससे भी कटपट कर तनख्वाह इन अतिथि शिक्षकों को मिलती है। साथियों यह खबर सामने आने के बाद देश की गोदी मीडिया एक बार फिर कटघरे में। साथियों आपको बता दूं, अगर आपने इस बात पर गौर नहीं दिया है तो आप देख लीजिए, आज तक देख लीजिए, एबीपी न्यूज देख लीजिए, इंडिया टीवी देख लीजिए, तमाम के देश के तमाम जितने भी प्रतिष्ठित हिंदी चैनल हैं उनको देख लीजिए, किसी ने भी गंभीरता से इस खबर को नहीं दिखाया। क्या इस गोदी मीडिया के अनुसार ये छोटी मोटी खबर है? यहां पर कम से कम 10-12 लाख छात्रों की जिंदगी का सवाल है और इस गोदी मीडिया को ये छोटी मोटी खबर लगती है? नहीं साथी, मैं आपको बता दूं, ये गोदी मीडिया ये पेड मीडिया है, ये कमर्शियल मीडिया है, ये इन सरकार के विज्ञापनों से चलती है। ये आपके हक की बात नहीं करेगी, ये आपकी आवाज की बात नहीं करेगी, ये आपके मुद्दों की बात नहीं करेगी। इसलिए साथियों मैं कहता हूं, जब तक ये मामला चलेगा मैं इस खबर को प्रमुखता से दिखाऊंगा, जितना मेरे पे हो सकेगा, जितना मेरे पे हो सकेगा उतना मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा। और साथियों आपको भी एक सूचना दे दूं, आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास भी अगर कोई खबर हो इस आंदोलन से, जो आंदोलन 28 मार्च को छात्र मध्य प्रदेश के करने जा रहे हैं, वर्ग 3 की भर्तियों में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर जो छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं 28 मार्च को, उसकी भी हम कवरेज दिखाएंगे। इससे संबंधित आपके पास कोई खबर दिखाने लायक हो, मीडिया पहुंचाने लायक हो, अपनी खबर को आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर पर या सीधे ईमेल पर हमें भेज सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। साथियों आप मजबूती से आपके साथ खड़े हैं उसका भी एक कारण है। साथियों मैं भी बता दूं, मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला हूं, मैंने भी वर्ग 3 की परीक्षा दी है, इसी जो आपने दी है उसी के साथ मैंने भी वर्ग 3 की परीक्षा दी है, मैंने भी वर्ग 2 की परीक्षा दी है, दोनों में क्वालिफाइड हुआ हूं, लेकिन इस सरकार की नीतियों से नहीं लगता कि कभी ज्वाइनिंग हो पाएगी। इसलिए मैंने ही पहले ही अपना उद्देश्य चुन लिया था कि इस सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है, इसलिए अपना अलग से कुछ करने की सोची और आपके सामने ये खबर बता रहा हूँ। साथियों आपको बता दूं, जब लड़के एग्जाम देने जाते हैं तमाम कोचिंग संचालक रिव्यू लेते हैं छात्रों से कि किसके कितने नंबर आए, जब छात्रों के रिव्यू लेते हैं तो कोई हाईलाइट नहीं होता है, किसी के ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं,
एक दो सेंटर पे मुश्किल से एक दो, अधिकतर तीन चार लोगों के नंबर ज्यादा आते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है मालूम है? पता नहीं कहां से मतलब मेरिट में 130, 35, 40 नंबर आ जाते हैं। ये बिना किसी घोटाले के, बिना किसी धांधली के होना संभव नहीं है। छात्र मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, 100 में से 150 में से 140 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। वो अपने घर को भी देखता है, अपने बच्चों को भी देखता है, अपने बीवी को भी देखता है, अपने समाज को भी समय देता है। और साथ ही आपको एक बात और बता दूं, व्यापम ने इस मामले पर क्या कहा है। ये मामला सामने आने के बाद व्यापम के अधिकारियों ने कहा है कि इस पर हम जांच कराएंगे। क्या होगा जांच कराकर? इससे पहले भी ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट पर भी ऐसी पेपर आउट हुए थे। पुलिस में अभी जो पुलिस का रिजल्ट आया है, 60 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, 70 वालों का हो जाता है, 70 वालों का नहीं होता है, 60 वालों का हो जाता है। कैसे हो जाता है? नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों से खिलवाड़ क्यों? क्या सुरक्षा है, क्या पारदर्शिता है? हम जो पेपर दे के आए, आप जो पेपर दे के आए, एग्जाम हॉल में पेपर दे के आए, क्या प्रमाण है कि हमने जो टिक किया उसी पे लगा है, बाद में किसी सॉफ्टवेयर से चेंज नहीं किया गया हो? कोई पारदर्शिता नहीं है। साथियों, इस पूरे मामले को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम इस सरकार से लड़ सकते हैं, कैसे अपना हक मांग सकते हैं, कैसे हम नौकरी पा सकते हैं, कैसे अपने प्रदेश से और देश से बेरोजगारी मिट सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से, इस बीजेपी सरकार से न्याय पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी घर पर रखवाली के लिए चोर को चौकीदार के लिए बैठा दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में ये बीजेपी सरकार कैसे आई है, धनबल के दम पर इन्होंने पैसे से। और साथियों, आपको बता दें, कई हमारे साथी ये पूछते हैं, कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर कि इतने पैसे का ये सरकार क्या करेगी, छात्रों से करोड़ों लाखों रुपए कमाकर परीक्षा फार्मों के नाम पर इस पैसे का क्या करती है। साथ ही मैं बता दूंगा आपको, इस पैसे से ये सरकार विधायक खरीदने का काम करती है, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का काम करती है। पैसा हमारा और मौज करें ये नहीं चलेगा। आपको आगे आना होगा और हमारी भी जरूरत पड़ेगी, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। साथियों, आपको बता दूं, जिस प्रकार से पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम के नाम पर जिस प्रकार से आप वोट देने जाते हो, आप वोट किसको दे रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से छात्रों के साथ भी यही हो रहा है। ऑनलाइन जब पेपर देने जाते हैं तो नहीं पता हमने क्या टिक लगाया है और किस पे हमारा आंसर गया है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता है उसमें या नहीं है, कोई क्लियर बात नहीं है। छात्रों के साथ सरेआम धोखा हो रहा है। इसलिए साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसका एक उपाय मेरे पास है जो मेरे को सूझ रहा है, अगर अच्छा लगे तो आप उस पर अमल कीजिएगा। अगर इस सरकार की जनविरोधी नीतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप आंदोलन करेंगे, इस वर्ग 3 में जो परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसका आंदोलन करेंगे, उसके साथ साथ ही ईवीएम का विरोध भी कीजिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये आपकी आने वाली पीढ़ी की बात है, ये आपके आने वाले भविष्य की बात है। आपको साथ में ही ईवीएम का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सत्ता रहेगी तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। साथियों, एक और बात बता दूं, इस तरह के मैं वीडियो बनाता हूं, पहले भी मेरे कई वीडियो हैं, तमाम साथी जो मेरे दर्शक हैं मेरे पे कमेंट करके आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस का चमचा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी वहां पर भी हम कांग्रेस का विरोध करने का काम करेंगे, उसकी जनविरोधी नीतियों को सामने लाने की बात करेंगे। हम किसी के चमचे नहीं है, ना किसी के दलाल हैं, ना किसी के फाइनेंस से चल रहे हैं, ना किसी के प्रमोशन से चल रहे हैं। हम जो गरीब की आवाज़ है, जो दलित की आवाज़ है, जो वंचितों की आवाज़ है, जो पिछड़ों की आवाज़ है, उसको देश के सामने लाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही हमने सोच समझ कर रखा है जनहित आवाज, जिसका अर्थ है देश की आवाज, बुलंद आवाज। साथियों, आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथियों, दूसरा और एक प्लान क्या है, एक तो हो गया ईवीएम का विरोध करना है, और दूसरा ये व्यापम यही चाहता है कि पेपर कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, साल 6 साल 2-4 साल फिर से हो जाया जाए, लड़के घूमते फिरें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर आपको मांग करना है तो ये मांग कीजिए, मैं बता दूं मेरे भी 100 से कम नंबर हैं। अगर आप ये आरोप लगाएं, मेरी वाइफ ने भी एग्जाम दिया, उसके भी 100 से नंबर कम हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको जो प्लान बताने जा रहा हूं उस पर गौर करना चाहिए जितने भी छात्र हैं। और बात ये नहीं है कि हमारे कम नंबर हैं, किसी के ज़्यादा हैं, बात एक न्याय की बात है, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। साथियों, सरकार से ये दबाव बनाइए कि 100 से जिसके नंबर ज़्यादा हैं,
100 नंबर से ज्यादा जिसके नंबर है इस परीक्षा में, वर्ग 3 की परीक्षा में, केवल उन्हीं उन्हीं लड़कों को सिलेक्ट करके 8 दिन के अंदर उनका एग्जाम लिया जाए। जिनके 100 नंबर से अधिक नंबर हैं उनका द्वारा से टेस्ट लिया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मान के चलो किसी छात्र के नकल से, पेपर आउट होने से, पैसे से 130 नंबर लाता है तो उसके 130 नंबर नहीं आएंगे। 130 तो छोड़ो, उसके 70 नंबर भी नहीं आ सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हकीकत में जिसने ईमानदारी से, मेहनत से जो 120 नंबर लेके आया होगा, 130 नंबर लेके आया होगा, तो उसके 130 नहीं तो 130 के आसपास आएंगे। 110 भी आ सकते हैं, 120 भी आ सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होगा कि 130 के 60-70 नंबर आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार पर हमें दबाव बनाना चाहिए, और सरकार इस फॉर्मूले को मान्य करती है कि जितने भी छात्रों के इस परीक्षा में 100 से ज्यादा नंबर हैं, 8 दिन के अंदर उन्हें पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं मिलना चाहिए, 8 दिन के अंदर पुनः उन्हीं छात्रों का जिनके 100 नंबर से ज्यादा हैं उनका पेपर कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर जिन छात्रों के नंबर में ज्यादा वेरिएशन आता है, आधे से ज्यादा नंबर वेरिएशन आता है, 140 वाले के 60, 130 वाले के 55, तो उन पर तुरंत CBI जांच की जानी चाहिए। पूरे मामले पर CBI जांच करने से कोई फायदा नहीं है, सरकार तो यही चाहती है कि केवल एग्जाम को टाल दिया जाए। तो साथियों, आपको मेरा सुझाव कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।